ऐसा कहने से नहीं होता है। जो विरोधी हैं वो क्या कहेंगे, हम लोग के लिए अच्छा बात कहेंगे क्या, अच्छा आशा रखते हैं हम लोग क्या? जो विरोधी हैं तो भी विरोध करेंगे, लेकिन शेष जो है विपक्ष के जो नेता हैं, जिस तरह से बिहार में 9 अगस्त को जो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, एक क्रांतिकारी फैसला हुआ, उससे पूरे जो विपक्ष के पार्टी के नेता हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद पहली बार भाजपा के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, पूर्णिया में रैली करेंगे। और जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड की हम बात करें तो साफ तौर पर सवाल पूछा जा रहा है कि जो आपने वादा किया था पक्का मकान देंगे, जो पूर्णिया क्षेत्र में एयरपोर्ट की बात है, जो लेसी सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं जहां पर अमित शाह आ रहे हैं, उनसे यह पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो एयरपोर्ट का वादा किए थे उन्होंने एयरपोर्ट नहीं दिया है। बिहार की जनता ये बात पूछ रही है उनसे। और देखिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं और सभी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी कह दिया गया है जेडीयू की तरफ से कि सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सभी विपक्ष के जो नेता हैं वो गर्म जोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रही है लेसी सिंह, पहले सुनिए उनके बयान। जनता पस्त है और वो जनता दरबार नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ अपना दरबार लगाते हैं, जनता से कोई मतलब उनको रहा नहीं, सिर्फ घूम रहे हैं, सिर्फ घूम रहे हैं, मतलब वो मस्त है, बिहार जनता पस्त है। देखिए, वो तो शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहे हैं, जब सरकार 2005 में बनी उसके बाद ही लगातार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री के दरबार में जनता का कार्यक्रम है, ये लगातार कार्यक्रम हो रहा है और लोगों की समस्या का समाधान होता है उसमें। और उस समय जब साथ थे तो उस समय क्यों न कहते थे, उस समय तो कहते नहीं थकते थे कि 18 घंटा हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। अब किस परिप्रेक्ष्य में क्या बोल रहे हैं वो तो अच्छा से वही बता सकते हैं। उनको मतलब बुरा लगा है कि आप लोग उनको बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? नहीं, जो सच्चाई है वो तो मानना पड़ेगा, वो तो साफ के सामने है। हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो जो प्रकरण हुआ वो सारी बात रख चुके हैं, इसमें कहाँ कुछ शक और शोभा वाली बात है कि व्हाइट पेपर जारी करें मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कितना पैसा खर्च होता है, सिर्फ जनता का पैसा खर्च किया जा रहा था मुख्यमंत्री जनता दरबार। ऐसा नहीं है, बिहार की जनता महसूस करती है और बिहार की जनता जो जनता के दरबार में आते हैं वो संतुष्ट होके जाते हैं, उनका काम होता है, तो जनता के लिए सरकार है, जनता पर खर्च करती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? जनता को लाने के लिए या उनके समाधान के लिए खर्च होता है, उनको जनता का तो अधिकार है, राज्य के खजाना पर तो जनता का अधिकार है, उनके लिए खर्च किया जा रहा है, उनके समाधान के लिए खर्च किया जा रहा है। वो दिल्ली गए हैं, बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, लगता है कि सफलता मिलेगी? जरूर सफलता मिलेगी, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐसा व्यक्तित्व है, बेदाग छवि के हमारे नेता हैं और पूरा देश जानता है, पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ये सब सभी लोग जानते हैं कि बिहार को किस तरह से शून्य से शिखर तक ले जाने का काम किए हैं, कम संसाधन होते हुए भी बिहार को एक नई ऊंचाई देने का काम किए, ये देश की जनता जानती है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, देख रहे हैं नीतीश कुमार, कोई वैकेंसी नहीं है केंद्र में? ऐसा कहने से नहीं होता है, जो विरोधी हैं वो क्या कहेंगे, हम लोग के लिए अच्छा बात कहेंगे क्या, अच्छा आशा रखते हैं हम लोग क्या? जो विरोधी हैं तो भी विरोध करेंगे, लेकिन शेष जो है विपक्ष के जो नेता हैं, जिस तरह से बिहार में 9 अगस्त को जो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, एक क्रांतिकारी फैसला हुआ, उससे पूरे जो विपक्ष के पार्टी के नेता हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन कर रहे हैं, सब इस जो फैसला लिए इसका स्वागत कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह से सभी लोगों ने रिस्पॉन्स दे रहा है, कितना गर्मजोशी से लोगों ने स्वागत कर रहा है, तो ये आने वाले 2024 के चुनाव में दिखाई देगा। अभी बहुत विरोधी लोग बोलते रहे,
है सीमांचल है, अमित शाह सीमांचल ही आ रहे हैं, पूर्णिया आ रहे हैं, उन्होंने उसी स्थान को चुना है, अब रैली भी होगी और आप लोग का विरोध भी होगा। देखिए बिहार तो लोकतंत्र की जननी है और यहाँ कोई भी आ सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं कहीं, इसमें हमारे पार्टी की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया है कोई क्यों आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं तो जो वादा किए थे देश के प्रधानमंत्री जी ने कि 2022 तक सभी जो गरीब हैं सभी गरीब का पक्का मकान बन जाएगा वो तो देते जाएं, पूर्णिया में एयरपोर्ट का मामला लंबित है वो तो देते जाएं, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा जो वर्षों से हमारी पार्टी और सभी पार्टी के लोग मांग रख रहे हैं, बिहार के लोग मांग रहे हैं, बिहार की ज़रूरत है, बिहार पिछड़ा राज्य है, वो तो देते जाएं, लेकिन सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द यदि बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बिगाड़ने देंगे। और बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता सब देख रही है कि केंद्र सरकार ने जो वादा किया था, जो घोषणा किया था देश के लोगों के साथ, वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीठ में खंजर मारा है आप लोगों ने, तो बिहार की जनता को हकीकत बताएंगे। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आगे करके उनके नेतृत्व में 2005 से लगातार चुनाव लड़ा जा रहा है, ये उन लोगों को भ्रम है। यदि ये भ्रम अहंकार है, और पहले भी वो बोलते थे जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए 2015 में चुनाव लड़े तो उस समय भी वो कहते थे कि सीएम नहीं बनेंगे, जब उनसे अलग हो के लड़े तो बिहार के सीएम फिर बने, तो नेतृत्व देखा जाता है कि किनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाता है, किन पर जनता भरोसा करती है, तो ये कहने मात्र से नहीं होता है, आजमा चुके हैं 2015 में, फिर आजमा लेंगे।